हेलो फ्रेंड फ्रेंड, आज हम बनाएंगे सेवइयाँ। सेवइयाँ बहुत ही टेस्टी होती हैं और सावन का महीना चल रहा है तो सावन के महीने में सेवइयाँ तो ज़रूर ही खानी चाहिए। सेवइयाँ नहीं अगर खाई तो क्या खाया। तो चलिए सेवइयाँ बनाना हम शुरू करते हैं। सेवइयाँ बनाने के लिए पहले हम गैस ऑन करेंगे और इस पे रखेंगे हम कढ़ाई। कढ़ाई को गर्म होने देंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी और इसमें हम सेवइयाँ डालेंगे। हमने एक कटोरी सेवई ली है और एक कटोरी सेवई के लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है। मेरी छोटी सी कटोरी थी, इसे हम भून लेंगे और हम धीमे आंच पे ही भूनें क्योंकि सेवइयाँ जल जाती हैं। अगर तेज़ आंच आपने कर दी तो सेवइयाँ जल जाएंगी, तो धीमे आंच पे ही धीरे धीरे करके भून लें। ये 3 से 4 मिनट में भुन जाएंगी अच्छे से। तो ये देखिए मेरी सेवइयाँ भुन के रेडी हो गई हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं, एक प्लेट में अलग कर लेते हैं। सेवइयाँ बहुत ही टेस्टी बनती हैं। एक बार आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे, आपका बार बार खाने को मन करेगा। ये देखिए मैंने निकाल ली है, अब इसी में हम दूध डाल के पका लेंगे। ये हमने 1 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम दूध लिया है क्योंकि हम सेवइयाँ बना रहे हैं तो हम फुल क्रीम दूध लेंगे। अगर फुल क्रीम दूध लेंगे तो सेवइयाँ ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। तो चलिए हमने तो हम अपने दूध को बॉयल हो जाने देंगे, इसके बाद हम इसमें सेवइयाँ डालेंगे। अब हम गैस को हाई फ्लेम पे कर देंगे जिससे दूध में जल्दी बॉयल आ जाए। ये देखिए मेरे दूध में बॉयल आ गई है। अब हम इसमें सेवइयाँ डालेंगे। दूध गर्म है इसलिए सेवइयाँ आराम से डालें। तो देखिए हमने सेवइयाँ डाल ली हैं इसमें। अब इन्हें हम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। जब ये सेवइयाँ फूल जाएंगी तब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो चलिए हम ड्राई फ्रूट्स काट लेते हैं। ये देखिए हमारी सेवइयाँ फूल के रेडी हो चुकी हैं, अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं। इसके लिए हमने ये पिस्ता लिया है और बादाम लिया है, छुहारा लिया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों आप वही डाल लें और अच्छे से मिक्स कर लें। इसे हम 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। ये देखिए हमने 4 इलायची कूट के ले ली हैं तो इसे में हम डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। ये चम्मच मेरी थोड़ी बड़ी है, इसी से 4 चम्मच चीनी डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल लें, जितना आप मीठा कम ज़्यादा खाते हो उसी हिसाब से चीनी लें। सेवइयाँ बहुत ही टेस्टी होती हैं। एक बार आप इस तरीके से सेवइयाँ बनाएंगे तो आप बार बार बनाने का मन करेगा आपको। इन्हें हम थोड़ी देर के लिए बॉयल कर लेंगे। ये देखिए मेरी सेवइयों में अच्छे से उबाल आ गई है, मेरी सेवइयाँ रेडी हैं, दूध के साथ में ही गिर रही हैं। देखिए अब हम गैस को बंद कर देंगे और अब हम निकाल लेंगे अपना कटोरी में या सर्विंग बाउल में, जिसमें भी आप निकालना चाहें आप निकाल लें। आप अगर गाड़ी सेवई इतनी गाड़ी रखना चाहते हैं तो इतनी रखें, मुझे तो इतनी ही रखी है, मुझे तो इतनी ही रखनी है। अगर आपको पतली सेवइयाँ खानी है तो आप इसमें दूध और ऐड कर लें और मिक्स कर लें। अभी तो ठीक है, अगर फ्रिज में रख देंगे तो ठंडी होके ये जम जाएंगी, तो इसमें आप दूध थोड़ा सा मिला लें और इसके बाद खाएं तो सेवइयाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए मेरी सेवइयाँ रेडी हैं। हम इसे थोड़ा पिस्ता से डेकोरेट कर लेते हैं। सेवइयाँ बन के रेडी हैं, आप भी ट्राई करें, घर में बनाएं, बड़ों और बच्चों सबको खिलाएं और कमेंट में मुझे भी बताएं कि आपको कैसी लगी सेवइयाँ। थैंक यू, बाय बाय।